नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में बीबीसी 24x7। आज हम खड़े हैं सुभाषपल्ली खुदीरामपल्ली 18 नंबर वार्ड, जहां पे गुरुकुल के माध्यम से नारी को, हमारी बहन बेटियों को सशक्तिकरण बनाने के तरफ में दो कदम और आगे बढ़ के देखिए क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आइए और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से हम समझते हैं और जानते हैं। आप सभी उपस्थित सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा हमारे सहयोगी लायंस क्लब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट संजय शाह सर एवं टीम उपस्थित है, उनको भी राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हमारी बहन बेटियों को नारी सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए माँ दुर्गा के तरह बने, झांसी की रानी के तरह हमारी बहन बेटियाँ बने, तो इस पे आपका क्या है राय, विचार, विमर्श, इस पे अपना प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और तेरा पंथ महिला मंडल की तरफ से भी सबको शुभकामनाएं देती हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे का। और कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आदमी में अगर हो, आत्मविश्वास हो, तो आदमी कहीं भी आगे बढ़ सकता है। तो अगर अपने अंदर शक्ति हो और हर बहन बेटियाँ अगर हर तरह से प्यार परीक्षा करने के लिए ट्वेंटो हो या फिर कोई भी तरह की ट्रेनिंग लेके अगर वो आगे बढ़ें और अपने आप में शक्ति महसूस करें, तो क्या है आजकल के युग में जो एक आत्मरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चियाँ अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। और नारी को ऐसे शक्ति का रूप माना गया है, परंतु ऐसा है, अपने आत्मविश्वास को पाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है और पहले सपने देखने पड़ते हैं। तो अगर बच्चियाँ, हमारी बच्चियाँ और हम लोग अगर आगे बढ़ें, तो अपने आप में पूरी शक्ति का संचार करके बढ़ें, कुछ ट्रेनिंग लेके बढ़ें, ताकि लोगों को अपनी रक्षा करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो हम सबको हर तरह से अपनी शक्ति का संचार करते हुए हर तरह की कोर्स कर, जैसे अनेक अनेक कोर्स चले हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सबको हृदय से सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि आप लोग हैं तभी शहर कहीं ना कहीं महफूज है, ये हम नहीं कहते हैं, तमाम माता बहनें कहती हैं। तो मैम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम आज का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में?